गुम है किसी के प्यार में 20 साल के लीक के बाद आखिरकार क्या कुछ होगी नई कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नील भाई, टाइशा सिंह और हर्षद अरोड़ा का शो गुम है किसी के प्यार में टेलीविजन स्क्रीन पर टॉप रेटेड शोज में से एक है। अपनी अनोखी कहानी और कंटेंट के साथ गुम है किसी के प्यार में ने काफी हद तक सफलतापूर्वक दर्शकों का ध्यान खींचा है। यह शो अपने प्लॉट ट्विस्ट और इंटेंस ड्रामा के साथ दर्शकों का दिल जीत रहा है, जिसे अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है। कथित तौर पर गुम है किसी के प्यार में एक जनरेशन लीप लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लीप के बाद आयशा, नील और हर्षद कथित तौर पर शो का हिस्सा नहीं होंगे। अब गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स आने वाले एपिसोड को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए तैयार है। वह एक रिपोर्ट के अनुसार सई और विराट की बेटी सवी कथित तौर पर बड़े होकर आईपीएस ऑफिसर बनेगी। शो के करीबी सूत्र ने पोर्टल को बताया, सवी एक बहुत ही आशावादी लड़की बन जाएगी और उसकी आजी उसकी परवरिश करेंगी। अपने दिवंगत पिता विराट से प्रेरित होकर सभी उन्हें बहुत सम्मान देती है और उनके नक्शे कदम पर चलने की इच्छा रखती है। यह देखा जाएगा कि सभी एक आईपीएस अधिकारी बनेगी। वह हमेशा अपने पिता को अब तक का सबसे महान आईपीएस अधिकारी मानती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे लीप के बाद फिल्म मेकर्स दर्शकों को बांधे रखेंगे। गुम है किसी के प्यार में नील भाई, टाइशा सिंह और हर्षद अरोड़ा का एक बेहद ही ज्यादा पॉपुलर डेली सोप है, लेकिन कहानी सई, विराट और सत्या से जुड़े लव ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती है। हाल ही में पत्रलेखा का किरदार निभाने वाली ऐश्वर्या शर्मा शो से बाहर हो गई हैं। फिलहाल वह साउथ अफ्रीका में स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 की शूटिंग में व्यस्त है। गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस पर हर रात 8 बजे आता है। तो आप सभी बताएं कि आखिरकार 20 साल के लीप के बाद के इस नई ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं।